जी 8:20 हो चुकी है, मॉर्निंग हो चुकी है। गुड, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, हैप्पी, हेल्दी, एंजॉयिंग वेयर एवर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हेजल का स्कूल का ओरिएंटेशन डे है, तो हम लोग बहुत जल्दी ही रेडी होकर निकल रहे हैं घर से। पापा का सुविचल लेके फिर कंटिन्यू करते हैं। पापा को मिलने से पहले मम्मी का जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। ऑल ओके? कुछ लगा है इधर तेरे को, ये देखो एक एक वाग्यो से कई वाग्या करे वाग्या करे। ओके चलिए, पापा इधर टल्ले वल्ले मारते हुए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का पहले सुविचार, बाद में। आज का सुविचार है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है। सीढ़ियों की तरह। हाँ। और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। लिफ्ट कोई समय बंद हो जाती है। हाँ। लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊपर तरह ही ले जाती है। सही बात है, बहुत बढ़िया सुविचार, प्रो लेवल का सुविचार। क्या बात है, क्या बात है। चाका जाम भाई, समझने वाले एकदम डायरेक्ट समझ जाएंगे। सीढ़ियों की तरह जीवो, सीढ़ियों की तरह जीने का और मस्त रहने का। हाँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पापा के कंधे पे ऐसे मैं हाथ रखता हूँ वो अच्छा नहीं लगता है, पापा को ताली मारता हूँ ऐसे करता हूँ वो अच्छा नहीं लगता है, पापा मेरे दोस्त की तरह है। तो दोस्त ऐसे रखो पापा के तरह, पापा को दोस्त बना के रखो तो जीवन एकदम सरल हो जाता है। अगर आप अपने पापा के साथ ऐसे नहीं रहते हो तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि ऐसे रहो। बराबर? नहीं, उसमें क्या है। हाँ। दोस्त की तरह रहे ना। हाँ। तो आत्मिकता बढ़ती है। हाँ, बराबर है। और दिमाग नजदीक आता है। हाँ। एक दूसरे को समझ पाते हैं। समझ पाते हैं, तो ऐसा रहने का, ऐसे ऐसे मैं ऐसे प्रोत्साहन देता हूँ कि आजकल की पीढ़ी ऐसे रहो। नहीं, मोटिवेशन है वो। हाँ। अमुक लोगों के पापा एकदम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ऐसे हाथ नहीं रखने देंगे। नहीं, पर नहीं। उनको ट्राई करो ऐसे करने की। नहीं, तो नहीं, वो तो रखने देगा, रखने पापा दे। का कंधा ही बच्चे के लिए है ना। यस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मचाने का, अच्छा रहने का। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हेजल का अपडेट ले लेते। ये चलता है, ये ऐसा शूज, ऐसा शूज चलता है बेटा, बहुत बढ़िया शूज है। मम्मी मुझे नाप पाट रही है। मम्मी क्यों नाप पाट रहे हैं? तू तो सो क्यूट लगती है। हाँ, सो क्यूट टुडे हेजू। चलिए भाई, तो कनिष्क को केजीएफ के पास सौंप के जा रहे हैं। मम्मी और केजीएफ संभालेंगे एक दो घंटे के लिए, तब तक हम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाले नहीं करने के, हेजू को चाले करने के बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी, बच चुके हैं शाम के 5:30। हम लोग जाके आए हैं स्कूल पे। हेजू की बहुत बढ़िया रहा ओरिएंटेशन का दिन, अच्छा रहा। हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि बच्चे की हाइजीन को ख्याल रखना है, बच्चे को खाने में क्या हम लोग देने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। अपडेट ये है कि भाई हमारे घर से बस निकलेगी तो उसके स्कूल पे जाएगी, तब तक हमको पता चलेगा कि वो कहाँ पहुँची है। वाह भाई वाह, क्या हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। हाँ, तने बोला गया बेटा, तू तो तारे चड्डी पहनी पड़ से बेटा। हमारे स्कूल के शूज, इसको तो शूज इतने अच्छे लग गए ना, आरती ही उतार रही है। और यहाँ पे केजीएफ का सर दर्द हो रहा है ऐसा लग रहा है, मस्त एकदम कन्हैया की तरह सो रहे है। वाह भाई वाह, वासली दे दियो को। बपोर वसे गया था कोर्ट माटले, या चलिए। केजीएफ से याद आया, कल रात को हम लोग गगासी के ऊपर चढ़े थे। कल के वीडियो मैंने बताया था कि वो लोग मून का फोटो, वो प्लैनेट अलाइनमेंट होने वाले, वो लेने गए। पर हमको प्लैनेट अलाइनमेंट दिखा नहीं, पर मून का फोटो बहुत शार्प दिखा। ये देखिए, पहले हम लोग ऐसे खड़े थे ट्राईपॉड लेके, चाका जाम ऐसे ऊपर देख के मोबाइल में देख रहे थे, और उसके बाद ये है फोटो। ये फोटो में हमने इतना परफेक्ट मात्रा में हमारे मुंह पे स्माइल आ गई थी, चकाचक मून का शार्प एकदम फोटो मिला है। ठीक है, रेडी है, नजारा दिखा। दिखा रहा हूँ ना बेटा। तू पहले उसको ध्यान रख, नजारा तो दिखा रहा हूँ। काना जी को अभी गर्मी सहन हो रही है ऐसा लग रहा है। कागल जैसा तो पहना है, पतला पतला। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी आज है, थोड़ी गर्मी लग रही है, आज है, धीरे धीरे बढ़ेगी अभी लगता है। या करे तो ये बात है, बहुत बढ़िया। जो तो हूं कर, लार निकले, निकले से लार निकली है सब चीज में इसको, है ना। वो ये जो है ना, भागी जाए बेटा, तो लार पोटी बधू तारे करवा। हां, बधू थाय, आपरे भाई ने रमाड़ो है, बधू थाय। ठीक है गाइज, और अभी गर्मा गर्म अपडेट ये है कि भाई इंडिया में यूपीआई ट्रांजेक्शन जितने भी होने वाले 2000 के ऊपर, उसमें 1.1% का चार्ज लगे, उसके बारे में हार्दिक भाई बताएंगे क्योंकि उनको ज्यादा पता है। चलिए गाइज, और केजीएफ जो जग चुके केजीएफ, बोलिए यूपीआई का अपडेट क्या है, सही है कि गलत है? थोड़ी वेबसाइट पे आ रहा है सही है, थोड़े लोग बोल रहे गलत है। तो क्या करेंगे अभी, सही है कि गलत है? पहली तारीख से आने वाला है, लेकिन आएगा तभी पता चलेगा। बाला खींच लिया, बाल अभी खींचने का ट्राया चालू हो गया है, ऐसे हाथ पकड़ लेता है, पंप करके इधर भी पंप करके पकड़ लेता है। एनीवे, यहाँ देखो कैंडी पार्टी हो रही है बाव और बेटी की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। येजू का नजारा देखो, येजू का नजारा देखो। येजू डेड इन चखा नहीं,
तुम आपकी खाओ ना, मेरे क्यों कैंडी मांग रहे हो? आपकी कैंडी का कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑरेंज। दोनों तो ये रसबरी ले लो। रसबरी नहीं लेनी है मुझे, तेरी ही चाहिए, देना। हरोस मेरी कैंडी में आनी है इसको तो। लाओ मने आप एक बाइट आप। ना ये वो ना करें बेटा। जेरी। है मम्मी आओ करो। जेरी बोला। गोला पार्टी एक दिवस ये तारी से खाओ ना, तारी हार्दिक ने बदन पड़े। नहीं, हम लोग वो बोतल फ्लिप वाला चैलेंज करते हैं, जिसकी बोतल फ्लिप हो जाती है ना वो खाएगा। दाबी लेने घुघरा लेके आ। घुघरा मानो घुघरा में मजा। हॉट डॉग लेके आता हूँ। हॉट डॉग अभी आ जाएगा, आया होगा कि नहीं आया होगा? आ गया होगा। हाँ तो हॉट डॉग या बर्गर लेके आता। चैलेंज क्या करने का है? चैलेंज ये है, लेके आता हूँ बाद में बताता हूँ, बहुत कॉमेडी है, आपको मजा आएगा देखने में। और ये अभी रील में बहुत वायरल हो रहा है, तो उसका रील भी हम बना सकते हैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो देखते हैं अभी लेके आते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं, तब तक यहाँ पे इन लोग को एंजॉय करने दो। बिना खुदी चकली चालू रख तो ले। खाने के लिए तो जीते हैं हम लोग, जीते हैं। लेकिन खाने से याद आया भाई, सारिका ने और हेजल ने, हम स्कूल पे गए थे उसकी हेजल की, तो इतना लपेटा है भाई, वाह क्या बात। मतलब उन लोगों ने सामने से हमको बोला कि भाई आप जितना हो सके उतना अनलिमिटेड है ब्रंच, लपेट लो। तो सारी का और हेजू बैठ के गपा गप दो या तीन कुलचे उलाड़ गए। कुलचे तो हूँ तो छोले भटूरे था, छोले भटूरे दो तीन उलाड़ गए। मैंने प्रेम थी कीधु तू कि अहियाँ बधा पेरेंट्स माटे लंच छे अवेलेबल, बनायू तेन वधे नही। ओ बनाया वो वधे नही, सही खावा माटे हूँ कीधु કે તમે એક્સપિરિયન્સ કરો કે તમારા છોકરાઓને કેવું ખાવાનું મળશે। યા યા सही बात है, नहीं बढ़िया है, बहुत मजा। हॉटडॉग खाओ। हाँ देखो अभी मैं हॉटडॉग लेके आऊंगा, बर्गर हॉटडॉग कुछ भी जो मिलता है वो लेके आता हूँ, और फिर वो फ्लिप चैलेंज करते हैं, वेट एंड वॉच। बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है, एंजॉय करेंगे हम लोग। चलिए गाइस, तो चैलेंज के लिए आ चुके हैं हॉटडॉग और बर्गर बहुत बढ़िया मात्रा में। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि पहला चैलेंज ये रहेगा, मैं और सारिका बॉटल फ्लिप करेंगे, जिसकी बॉटल फटाफट फ्लिप होगी वो खाना स्टार्ट करेगा, और जिसकी बॉटल बाजू वाला फ्लिप करता जाएगा तब तक वो खाने का कंटिन्यू रखेगा। तो खाने पे टूट पड़ने का है, जिसकी बॉटल फ्लिप होगी वो खाएगा, ठीक है। पहला ट्रायल करेंगे हम और बताएंगे आपको क्या होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेके आए हैं माल। और मैं और केजीएफ फिर ऐसा करेंगे, और मैं और केजीएफ सामने दोनों एक एक हॉट डॉग रखेंगे, और जो भी फटाफट फ्लिप करेगा। मेरे को बर्गर खाने का है। हाँ तो बर्गर भी है ना तेरे पास, तो जो भी पहले फटाफट फिनिश करेगा वो विन। मेरे मुंह में पानी आ गया, मैल इतनी अच्छी आ रही है ना, चीज खपक के डाला है। तो सारी का अभी मोहितो बना रही है, गले में उतारने के लिए मोहितो भी चाहिए, तो अभी लाइट वाइट सेट हो चुका है, बहुत बढ़िया मात्रा में आपको एंटरटेनमेंट दिखने वाला है। तो देखते हैं अभी मैं और सारी का शायद हॉट डॉग खाएंगे या फिर बर्गर खाते हैं, जो भी खाते आपको दिखाएंगे, ठीक है, बने रहिए। सारिका जी हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, तो आप फटाफट अभी आपका कार्यक्रम कीजिए और मोहितो फटाफट बना के लाइए, हम लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। ओके 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 चलिए, तो अभी चैलेंज नंबर वन, सारिका और मैं रेडी, स्टार्ट द फ्लिपिंग बोतल। मारो अरे बट उभी तो रे, अरे फर्स्ट टाइम मारू मारू चालू से कछु खावा चालू करो पछी हो। आ तो पहला मारो मारो तू आ जा, तुम खाई लो ने खाई। आ ले ले चल, सॉरी चल, एम न करो ने आम करवानो है, आम एम नहीं सारिका, जो आम आम। Oh, no. चीटिंग नहीं करने का। आम पर एटा ऐसे ही तोड़ डालेगी, मेरा तो देरी ही नहीं आएगा, वारी ही नहीं आएगा। Mm-hmm.
जबरदस्त। अब हार्दिक भाई खड़े हैं कॉर्नर में, मजा आया हो तो लाइक करते रहना, हमको तो भाई बहुत मजा आ रहा। चीज़ आमच बड़ी चाका जाम। ओ हे, हाथ धो के आता हूँ। बाप भी एक बार चीटिंग करी है तो ठोकरी नोपड़ी। मैं आईडिया दी दोस्तों, मैं मुकी दूंगा। अब मोटा लाम की नाम था ना, पर तमाशा नाम की मुकी दूंगा। देखो भाई, अभी हार्दिक पटेल आ चुके हैं मैदान में, हमारे पास दोनों के पास एक एक बर्गर है। दो बर्गर अपन एक तारे खावानो एक मारे खावानो, कारण के तू मेरा भाई है, मैं तेरा ऐठा नहीं खाएगा। तो क्या करेंगे, पहले कौन फिनिश करता है फ्लिप करके, जिसका फ्लिप होगा वो खाना स्टार्ट करेगा। जब तक वो खा रहा होगा तब दूसरा फ्लिप करेगा, तब वो खाना खाएगा नहीं, रख देगा। ठीक है, मेरे मुंह में तो अभी पानी ही आ रहा है। गाड़ी ना को सिरप इचा की जो आप पहले, आप पहले फ्लिप करिए, आपका फ्लिप जब हो यहाँ आएगा, यहाँ अभी बजोर कुछ है। खावन स्टार्ट कर। शिट, जल्दी आदि भाई नहीं जाए लो। अरे वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे क्यों नहीं हो रहा है भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे ये मारू बर्गर से, अरे चीटिंग ना सी। मेरे साथ मेरे पास से जल्दी नहीं सीखना था। अच्छा कुछ सीखो, चीटिंग क्यों सीखते हो यार। ये फिनिश आदि भाई, वीन खावानो जल्दी जल्दी आदि भाई, आंखों मोटा नाखी दियो, पचाया कर दियो, आंखों नाखी दियो। आ केम न था तो यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू, और नहीं नहीं नो 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 नो, आंखों मोटा नाखी दियो, एक बार टाइम पे आंखों मोटा नाखी। बे यार, मैं तो मैं चल मुकी दे, मुकी दे, मुकी दे। ए चुप, एक थोड़ा से तो बेले क्लीन करा विषय आबाज मुने तो मुकी दे, मुकी दे, मुकी दे। सब याद ही पाएगी चीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुकी दे। आपको आपको मुकी दे आदि भाई, ये ओ सॉरी आदि भाई, सॉरी जयदीप, एक बार मैंने चीटिंग की थी आपके साथ। अरे चौक है, जीत गया, मजा आई, हाँ जोरदार चैलेंज, जीत गया मैं। ये माने मावे नाक चोस प्राइस। तो गाइस अगर आपको मजा आया हो तो ऐसे रील आप भी बना सकते हो और हमको टैग करके शेयर करो, हम लोग देखेंगे किसका कितना फास्ट फ्लिप होता है बॉटल। मैं तो ज्यादा मेरा ही हुआ है, तार कर तो मारा भी, मैं भी फास्ट हूं। खाना मत कर मोटू के उड़ू। मोटू कमे उड़ू है। ठीक है, चलिए गाइस, नहीं मजा आई, मजा आई, बहुत मजा आई। थैंक यू सो मच वाचिंग द वीडियो टिल एंड। अभी हमारा अभी एक और कमेंट आएगी कि हॉट डॉग कौन खाएगा, अभी लास्ट वाला हम दोनों, हम दोनों खा लेते हैं। अच्छा अच्छा खाएंगे, ना ना आपने भी करूं पांचवल ना पापा उधर है। चलिए गाइस, तो एंटरटेनमेंट हो गया है, अभी मम्मी का भजन एज यूजुअल, क्योंकि मम्मी के भजन के बहुत सारे फैन है हमारे चैनल में। मम्मी आज का भजन क्या है बता दीजिए। प्रभु ना शरण जाइए तो स्वीकारी लेजो। ओके चलिए गाड़ी ना स्वीकारे तो हूँ शू करू। ओके ओके, ओ शरणे तारे आयो सो प्रभु तू ना स्वीकारे तो शू करू। ओ अरजी चरणे लायो सो प्रभु तू ना स्वीकारे तो शू करू। सु जन्म जन्म नो अपराधी वणिता नमन मासे व्याधि
भरेलो आयो सो प्रभु तू नाम टाड़े तो हूँ शू करू मारिया गळ पाछळ छे आंधी मारो तार तूटेलो दे सांधी हो भूल भरेलो आयो सो प्रभु तू ना सुधारे तो हूँ शू करू मने स्वार्थी आओ ये जकड़े छे वाली पागल समझी पकड़े से ओ सूटवा माटे आयो सो प्रभु तू ना छोड़ावे तो हूँ शू करू मारे पुनीत पंदे जाऊ छे वळी राम भक्त थई जाऊ छे हूँ तरवा माटे आयो छो प्रभु तू ना तरावे तो हूँ शू करू हूँ शरणे तारे आयो छु प्रभु तू ना स्वीकारे तो हूँ शू करू वाह मम्मी वाह तारा शरण आयो छु तू न स्वीकारे तो शू करू तो हूँ शू करू भगवान ने शरण जाए અને એ ન લે તો આપણે શું કરીએ કાંઈ નહીં ભક્તિ કામ આવે તો બહુત બઢિયા ચલીએ ઇસી કે સાથ આજ કા जो वीडियो है वो हम इधर ही एंड करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना ज़रूर मत भूलना, शेयर तो कर ही देना। और सब्सक्राइबर हमारे 3 लाख होने वाले हैं, उसकी खुशी में मैं बहुत बड़ा एक प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी आप करवाते रहिए। 3 लाख फटाफट हो जाएंगे, उसके बाद मम्मी का वैसे जो कृष्ण भगवान का जो भजन का कीर्तन वो सब होता है वो तो रखेंगे ही, और उसी के साथ और कुछ रखेंगे। तो बहुत बढ़िया मात्रा में सब्सक्राइब करवाते रहिए, सबको एन्जॉय करवाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। रील आएगी ये जो किया ना उसका इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो हार्दिक को हमको तो कर लो, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टाटा, सी यू टुमारो।